हाथी का मतलब क्या है? हाथी 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 मना शुरुआत करो। कहीं कुछ अटकाव हो, बुद्धि अटकती है ना कोई कोई बातों में, मुझान आती है ना, तो मुझान को खलास करने का प्रयास करना है। अपनी मुझान दूर होगी तो दूसरों की भी मुझान दूर कर सकेंगे। वो तो कोई बात में अटके हुए होंगे तो पुरुषार्थ ढीला होता रहेगा। तो हाँ जी, कौन सी एक की शूटिंग चल रहा है? संकल्पों की शूटिंग का टाइम पहले ही बता दिया है। ब्रह्मा द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा द्वारा ही रची गई या ब्राह्मणों द्वारा भी रची गई? ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण भी है, तो कौन से ब्रह्मा की बात है? आदि ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई या मध्य में रची गई? कब रची गई? आदि में। आदि में संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ थी, आदि में आत्मा अपने स्वरूप को परिपक्व रूप में जानने वाली थी। जो बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे, तो जब तक डायरेक्ट बाप से सीखने योग्य ब्राह्मण बच्चे न बने तब तक संकल्पों से सृष्टि का निर्माण कैसे करेंगे? तो वो टाइम कौन सा है जब ब्राह्मणों द्वारा और ब्रह्मा द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची जाती है? माना मन बुद्धि के अंदर प्लानिंग खाका खींचा जाता है, नई दुनिया का, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा और नई दुनिया की स्थापना रूपी संगठन कैसे बनेगा? ये कब से शुरुआत हुई? जो प्रश्न करने वाला है वो पहले बताए। सभी के लिए एक ही नहीं है ना बाबा? हैं? सभी के लिए एक नहीं है ना? सभी 500 करोड़ तो हो ही नहीं सकते। ब्राह्मण बच्चे, वो ब्राह्मण बच्चे जो बाप को पहचानते हैं वही ब्राह्मण बच्चे, जो पहचानते नहीं है वो संकल्पों की सृष्टि रचते भी नहीं है। तो कौन सा टाइम है जहाँ से संकल्पों की सृष्टि की शुरुआत होती है, जहाँ से ब्रह्मा के चार पुत्रों की शूटिंग की शुरुआत होती है? चेतर से शुरुआत होती है, जहाँ से शंकर का पाठ शुरू होता है दूसरी मूर्ति का। पहली मूर्ति का कार्यकाल और दूसरी मूर्ति का कार्यकाल और तीसरी मूर्ति का कार्यकाल, तीनों ही कार्यकाल 30-33 वर्ष के अंदर के हैं। 100 साल का संगम युग है, 100 साल का संगम युग तीन मूर्तियों के लिए बांटा हुआ है। जो ब्रह्मा की पहली मूर्ति है उसके द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो जाती है 30-33 साल में। स्वर्ग स्थापन नहीं होता, ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। उन ब्राह्मणों में गुरु वशिष्ठ और ब्रह्म विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण भी होते हैं, संख्या में थोड़े होते हैं, और रावण कुंभकर्ण जैसे ढेर के ढेर ब्राह्मण भी होते हैं। वो ब्राह्मणों की सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची गई।
फिर उनमें जो मनन चिंतन मंथन शील ब्राह्मण है वो संकल्पों की सृष्टि की शुरुआत करते हैं। तीसरे नेत्र की सृष्टि, तीसरे नेत्र की शुरुआत तो त्रिनेत्र के द्वारा ही होगी। तो 76 से लेकर और 2004-05 तक का जो भी पीरियड है वो सारा का सारा पीरियड है 30-33 साल का संकल्पों की सृष्टि का है। उसके बाद तीसरी मूर्ति की शुरुआत होने तक अंतराल का पीरियड चलता है। जो अंतराल का पीरियड पहली मूर्ति की शुरुआत होने पर भी चला, ब्रह्मा की पहली मूर्ति सन 36 से नहीं प्रत्यक्ष हो गई, जब मुरली चलाना ब्रह्मा के द्वारा शुरू हुआ तब पता चला ये ब्रह्मा है। इसलिए मुरली में बोला है ये पा मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है, जब ज्ञान सुनाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा जब मुरली चलना शुरू हुई कराची से तो ब्रह्मा का पाठ भी प्रत्यक्ष हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में और बाहर की दुनिया में भी प्रत्यक्षता होने लगी। 51-52-53 में पहले सेंटर की फाउंडेशन डाली गई, कमला नगर सेंटर दिल्ली में, जिसका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा तो जरूर ब्रह्मा भी होना चाहिए। तो ब्रह्मा की पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई। तो टाइम तो लगा ना, ब्रह्मा के शरीर छोड़ने तक 33 साल पूरे होते। ऐसे ही दूसरी मूर्ति, दूसरी मूर्ति ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। कैसे प्रत्यक्ष होती है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दुनिया की नजरों में सामने आया तो ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ। दूसरी मूर्ति कैसे प्रत्यक्ष हुई? दूसरी मूर्ति ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है या बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरी मूर्ति की शुरुआत तब होती है जब शंकर पार्टी का नाम संसार में बाला किया जाता है। ये बाप की भाषा नहीं है, शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी, लेकिन जिन्होंने नाम दिया है उस नाम से काम साबित हो जाता है कि शंकर पार्टी है तो शंकर पार्टी का कोई बनाने वाला मुखिया भी है। तो दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो जाती है, उसका कार्यकाल भी नुदा हुआ है। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से लेकर 76 तक बाप की प्रत्यक्षता वर्ष तक 7-8 साल का जो पीरियड है वो अंतराल का पीरियड है, जिसमें दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच। तो पहली मूर्ति का प्रत्यक्षता का अंतराल पीरियड 14 साल, दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता का अंतराल का टाइम है 7-8 साल। ऐसे ही तीसरी मूर्ति विष्णु की प्रत्यक्षता का अंतराल पीरियड है 3-4 साल। तो अभी वही टाइम चल रहा है, अभी अभी मुरली में आया, ये शूटिंग चलती रहती है, रिहर्सल होती रहती है। ऐसे नहीं रिहर्सल खत्म हो गई, ये संकल्पों की शूटिंग की रिहर्सल खत्म हुई, अभी विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल भी होना है। अभी प्रैक्टिकल में संगठन किसी को नजर नहीं आ रहा है, संगठन रूपी कोई किला नई दुनिया का देखने में आता है, नहीं आता है, लेकिन विष्णु एक ऐसी मूर्ति है जो संस्कारों का परिवर्तन करने वाली मूर्ति है, प्योरिटी की आधार है और प्योरिटी के आधार पर
प्रैक्टिकल भी संपन्न होता है, तो प्रैक्टिकल संगठन संसार में नजर आवेगा। जिसको बाबा ने बोला है दुनिया का बड़े से बड़ा बंदर है आठवां बंदर, संगम युगी स्वर्ग है, जो बाप आकर के स्थापन करते हैं, ये तीसरी मूर्ति के द्वारा संपन्न होता है। तो कौन सा टाइम अभी चल रहा है, कौन सी रिहर्सल का पीरियड चल रहा है अभी? संकल्पों की शूटिंग से लेकर के प्रैक्टिकल शूटिंग की प्रत्यक्षता होने तक का अंतराल पीरियड चल रहा है। और बाबा क्या सभी ब्राह्मण युद्ध करते हैं विकारम से, और द्वापर से सोलह युद्ध करना पड़ता है क्या? द्वापर युग से सोलह युद्ध करना पड़ता है क्या? सोलह युद्ध, सोलह युद्ध शूटिंग यहाँ होती है। जब शूटिंग होती है तो स्वर्ग की भी शूटिंग होती है, नरक की भी शूटिंग होती है। श्रीमत के आधार पर चलते हैं तो स्वर्ग की शूटिंग होती है, और मनमत और मनुष्य मत के आधार पर चलते हैं तो लड़ाई झगड़ा की नरक की दुनिया की शूटिंग होती है। ये भाड़ा ही चढ़ता है बाबा। तो भाई पूछ रहा है टीचर के रूप में किसी संत तक समय तक चलता है। टीचर का मतलब है कि स्टूडेंट टेक्स्ट बुक हाथ में लेकर के पढ़ता है और टीचर उस टेक्स्ट बुक में जो बात आई है उसके हिज्जे हिज्जे करके क्लेरिफिकेशन देता है। तो हमारा टीचर कौन है? सुप्रीम टीचर कौन है? और हमारी टेक्स्ट बुक कौन सी है? मुरली है हमारी, पद्य पोएट्री, और अव्यक्तवाणी है प्रोज। उन दोनों प्रकार की टेक्स्ट बुक को क्लेरिफाई करने वाला है शिव बाप सुप्रीम टीचर, और पढ़ाई पढ़ने वाला अव्वल नंबर स्टूडेंट कौन है? कृष्ण वाली सोल, वो अव्वल नंबर बच्चा है। जो अव्वल नंबर नई दुनिया का पत्ता बनता है उसके लिए सारी पढ़ाई चल रही है। ये टीचर का काम तब तक चलता रहेगा जब तक सतगुरु का सख्त पाठ नहीं शुरू होता है। सतगुरु के द्वारा सदगति मिलती है, टीचर के द्वारा पढ़ाई मिलती है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, पीना है। जिनकी जिनकी सदगति होती जाएगी वो फिर दूसरों की पढ़ाई में लग जाएंगे। उनके पढ़ने स्वयं के पढ़ने की बात नहीं रहेगी, उनकी परीक्षा भी खलास। पढ़ाई पढ़ने की बात खत्म, उनके लिए सदगुरु का पाठ हो जाता है। बाप, टीचर और सदगुरु, पहला पाठ कौन सा है? बाप का। दूसरा पाठ टीचर का, और लास्ट सदगुरु द्वारा सदगति। तो अभी मन बुद्धि की सदगति
पढ़ाई के द्वारा हो रही है। ये ज्ञान जल है जिससे आत्मा का मन धोया जाता है। अभी सदगति किसी की हुई नहीं है, होने वाली है। अभी भी पढ़ाई का पाठ चल रहा है और भगत कोई मुरली में ऐसे कहते हैं दिल वाले बच्चे भी, और कोई मुरली में कहते हैं ज्ञानी का आत्मा बुद्धि सोचते, दोनों में अंतर है होगा। ज्ञान तो बुद्धि का चीज है, दिल तो भावना भावना का चीज है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस होगा तो सफलता प्राप्त होगी, या सिर्फ दिल वाले बच्चों से ही सफलता प्राप्त हो जाएगी? दोनों चाहिए, भावना भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए और साथ साथ बुद्धि भी चाहिए। अगर श्रद्धा विश्वास भावना में बुद्धि का पुट नहीं है तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास हो जाएगा। और बुद्धि माने मति, जो मत है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत चाहिए, भ्रष्ट मत नहीं चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट भी होती है, मति भ्रष्ट भी होती है और बुद्धि श्रेष्ठ भी होती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मति वाला है शिव बाबा। तो शिव बाबा की मति के आधार पर जो भावना वाले बच्चे हैं वो अगर उस आधार पर चलते हैं तो उनको जरूर सफलता मिलती है। बाबा भक्ति पूर्ति गांधी बट्टी जय वड़ा चाहिए उतना। भट्टी पूरी करने का मतलब है जो 7 दिन की भट्टी है उसमें 1 दिन का जाना और 1 दिन का आना, दोनों मिलाकर के 9 दिन की भट्टी 9 महीने गर्भ में पलने वाले बच्चे की सूचक है। आत्मा जब एक जगह से शरीर छोड़ती है तब जाकर के दूसरी जगह जन्म लेती है, दूसरे बाप का बच्चा बनती है। तो एक जगह से शरीर छोड़ना माना भक्ति छूट जाना, और जब भक्ति छूटती है तो रावण के बच्चे खलास और राम के घर में जाकर के पैदा होती है। तो वहां 9 दिन उस घर में जाकर के भट्टी में पलना पड़े तब बच्चा बन के पैदा होता है। भक्ति पूरी नहीं हुई है, अधूरी भक्ति चल रही है, घंटड़ी हिलाए रहे हैं और धक्का मुक्की करके उनको भट्टी करा दी तो पूरी पैदाइश नहीं होती। पक्का बच्चा बन के पैदा नहीं होता, भक्ति भी चलती रहती है और ज्ञान भी चलता रहता है। तो बाबा ने कहा है जिनके अंदर भक्ति का संस्कार लेश मात्र भी रह जाएगा उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, वो फिर 4.5 लाख की लिस्ट में नहीं आवेंगे। तो घाटा होगा या फायदा होगा? रूप आत्माओं में भी शरीर छोड़ना पड़े अगर भक्ति का संस्कार कोई ऐसा है जो 100% गति पर पहुंच चुका है। कोई कोई माता है बहुत बंधन में रहते हैं, उनको भट्टी करने जरूरत, उनकी तो घर में ही भट्टी है। जिनकी लगन लगातार लगी हुई है उनकी तो घर में ही भट्टी हो गई। बाबा से प्यार रहते हैं, बाबा ऊपर नीचे होते हैं। हाँ जी, लेकिन भट्टी करने के लिए उनका पति बेचते नहीं है ना? हाँ जी, उनके लिए क्या? कोई बात नहीं, बाप को याद करें, लास्ट में उनको ऐसा मौका मिल जाएगा जैसे कराची में कन्या माताओं को मिला था। 7 तालों के अंदर जिनको बंद करके रखा गया उनको भी मौका मिल गया और वो अविनाशी भट्टी में पहुंच गई।
कोई ऐसे होते हैं उन लोगों को कमरे तक भेजा नहीं जाता है। नहीं जाता है तो अपने घर में बैठ के याद करें। तो इधर क्लास तक तो पहुंचा जाता, क्लास में भी नहीं जाने दिया जाता तो अपने घर में बैठ के याद करें। लेकिन बाबा आते उस समय बुला सकते हैं को भी भट्टी नहीं किया तो बुलाना नहीं। भट्टी जब तक न करे, जब तक बाप के घर में जाकर के पैदा न हो तब तक सामने नहीं लाना है। कर्म बंधन कहीं न कहीं अटका हुआ है, दो बंधन लगता है। जो निर्बंधन बच्चे हैं उन्होंने जरूर ऐसे कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, जो इस जन्म में निर्बंधन बने हैं। छोटी छोटी बच्चों को लेके आ सकते क्या? क्यों नहीं लेके आ सकते? वो बड्डी नहीं, बड्डी इतना बड्डी है, छोटे बच्चे तो बड्डी नहीं कर सकते ना, नहीं ले जा सकते। तो उनका निश्चय बुद्धि अन्ना निश्चय बुद्धि होने की कोई मतलब ही नहीं है। उनकी बुद्धि में तो बात बैठती नहीं है, उन्हें तो जहाँ सरेंडर कर दिया जाएगा तो सरेंडर होके बैठ जाएंगी। ज्ञान तो समझ की बात है ना, बच्चा समझदार नहीं हुआ है तब तक उसे ये कैसे कह सकते हैं ज्ञान मिल गया। हाँ जी तो अभी अंत थोड़े ही आ गया, ये भी क्यों नहीं परीक्षा होगी? ज्ञान धारण किया है तो कहाँ तक ज्ञान धारण किया है? दूसरों को सुनने सुनाने का ज्ञान धारण किया है या अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण ज्ञान धारण किया है? तो वो फिर चाहे विनाश भी हो जाए तो भी अंदर रहेगा। अभी नहीं हो रहे हैं। अभी भी तो ऐसा ही हो रहा है। जो देव है वो सूर्यवंशी है, जो भी 4.5 लाख में 2.25 लाख होंगे वो सूर्यवंशी होंगे या दूसरे वंश के होंगे? तो सूर्यवंशी के होंगे वो ही रहेंगे, उनके फॉलोअर्स रहेंगे। जो दूसरे वंश के होंगे वो नहीं रहेंगे। हाँ जी चला की बोला ना, हड़ताल भूख हड़ताल है, कुछ ना कुछ शायद पानी लेते रहेगी, भले वजन हल्का हो जाए। अभी मुरली में बताया ना कि जो भूख हड़ताल है कुछ ना, जो भूख हड़ताल है तो ना कुछ ना शायद पानी लेते रहेगी और भले वजन हल्का हो जाएगा। इसका बेहद का अर्थ बताया, शायद पानी लेते रहेंगे माना उनका वजन सिर्फ हल्का होगा, देहभार कम होगा। सिर्फ वजन कम होगा, देहभान हल्का हो जाएगा, माने खाने की जरूरत नहीं। हाँ, खाना न खाने से माने जो देहद का भोजन है वो नहीं करेंगे तो थोड़ा हल्का पन आ जाएगा बस। अपने एक को याद करेंगे, अपने अपने जो धर्म पिताए हैं उनमें भी बुद्धि लगाते हैं तो एक को तो याद करते हैं कम से कम। जो किसी ने अपने धर्म के पक्के होते हैं वो किसी की बात नहीं मानते, वो करता है ना बिल्कुल बात ही नहीं है ना। हाँ जी, शहद लेते हैं तो शहद दूसरा धर्म, शहद माने शहद और क्या होता है, मक्खियाँ क्या लाती हैं, मक्खियों का निकला हुआ है। और पापा एक मूवी में बोला है कि सीढ़ी के चित्रों में भारत को भीख मांगते हुए दिखाया ना विदेशों से, फिर बोला है और एक मुरली में बोला कि विदेशी भारत को लूट लिया,
विदेशी भारत को लूट लिया और एक मुरली में बोला। हाँ ऐसे एक मुरली में बोला। हाँ तो जो भीख मांगने का चित्र है वो तब का है जब भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है और भगवान के आने से पहले विदेशियों ने लूट लिया। कैसे? अरे भगवान सन 36 के बाद ही तो आया और विदेशियों ने सन 36 से पहले लूटा ना। ऐसे बेहद में यहाँ भी पहले लूट लेते हैं अभी लूट रहे हैं। फिर भीख दे रहे लूटने के बाद फिर भीख दे रहे। हाँ फिर भीख देते हैं बाद में। बेसिक में जैसे हुआ वैसे एडवांस में भी होता है। सूर्यवंशी का बच्चा है या चंद्रवंशी के बच्चा कैसे पता चलेगा माता जी? सूर्यवंशी बच्चा होगा वो सूर्य को फॉलो करेगा। जो चंद्रवंशी बच्चा होगा वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को या बड़ी अम्मा को फॉलो करेगा। जो इस्लाम वंशी बच्चा होगा वो कुमारका दादी को फॉलो करेगा। और ब्रह्मा जैसी आत्माएं ब्रह्मा जैसी आत्माएं आश्रयों में प्रवेश करते हैं आश्रतन में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जैसी जो आत्माएं है हाँ वो इंस्पिरेटिंग पार्टी में है। इंस्पिरेटिंग पार्टी जो है उसको प्रवेश करने का काम ही मिला हुआ है। तो जो जिस धर्म का होगा वो उसी में प्रवेश करेगा। इस्लाम धर्म का होगा तो इस्लाम धर्म वाले बीज में प्रवेश करेगा। बौद्ध धर्म का होगा तो बौद्ध धर्म वाले बीज में प्रवेश करेगा। साढ़े 4 लाख सारे ही पृथ्वी की जीत पहनेंगे। जो भी प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी जो भी राजा वर्ग की आत्माएं होंगी वो 4.5 लाख सूर्यवंशी होंगे ना पक्के। प्योरिटी पर जीत पहनेंगे तभी तो राजा जैसे बच्चों को जन्म देंगे नहीं तो कैसे देंगे बाबा।